अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुबैर रहमान। नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो है इन तीन बहनों की। इन लोगों ने हमें फ़ोन करके कसूर में बुलाया। इन्होंने हमें ये बताया कि इनके ऊपर कुछ इनके इलाके के ओबाश हैं जिन्होंने मुबैना तौर पे तशद्दुद किया है, मुबैना तौर पे इनके कपड़े फाड़े, मुबैना तौर पे इनको बरहना किया। अभी ये जो बहन है, इन्होंने ये हाथ के ऊपर पट्टी भी बांधी हुई है। तो जब मैंने पूछा कि आपके घर में कोई बड़ा है, तो इन्होंने मुझे बताया कि सिवाय एक बुज़ुर्ग वालिद के और इनका कोई आसरा नहीं है। तो ये सारा मामला है क्या, किन लोगों ने इनके ऊपर तशद्दुद किया, इनको मारा पीटा, तो आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुमताज बीबी। आपका क्या नाम है? तेरा। और आपका? अरशाद। ये क्या हुआ है आपके साथ, किसने आपको मारा पीटा? अब्दस्तार ने और अब्दजबार, कबीर, शबीर, अल्लाह इता और पाँच छः गैर से पता नहीं ना मालूम सी। तो क्यों मारा है इन्होंने आपको? साड़ी जमीन पर कब्जा करन दे इन्होंने कोशिश की सी, वो तो ऐसा रोकया तो रोकन दे दरम्यान इन्हें सानू मारना कुटना शुरू कर दिता। सर मारिया कुटिया होर की कीता तेरे नाल? बहुत ज़्यादा जुल्म किया, कपड़े पाड़ तो सरे आम घसीटिया ने, घसीटन के बाद जेवर भी उतार लिया ने, जेवर उतार के उस तो बाद अब्दस्तार ने ललकारा मारे इनू मदैया बनन का मज़ा चखा दे। उस तो एक दिन पहले मैं FIR कराई से, उस दिन पहले भी इन्हें मेरे आप ही मुमताज़ नू मारिया से, जख्मी किया मदैया मैं बनी सर। तो 17 तरीक न मैं मदैया सा, 18 तरीक ना फिर मतलब कि बेल करा के बहर आ गया अब्दस्तार। उन्हें मारे पौने 4 का टाइम से, आंदा ने ललकारा मार के उन्हें मारना कुटना शुरू कर दिता। उस तो बाद उन्हें जेवर भी उतार लिया, कपड़े पाड़ के सरे आम घसीटिया ने, सारिया के सामने घसीटिया ने, सारे मेरे अगो नज़र आ रहे थे, छाती वगैरह सारे जिसम नज़र आ रहा है। उस तो बाद उन्हें कुहाड़ी मारी है, कुहाड़ी मारद्या नाल मेरे बाजू तो लगी, गहरा जख्म हो गया, तो मेरा खून बहना शुरू हो गया, तो वो चले गए ने। उस टाइम छड़ाया किसी ने नहीं, होर उसे कोई बंदा नहीं सर, कोई नहीं आया सी, अगर कोई है भी सी ते कोई नहीं आया, बस उन्होंने बंदे है सी 7-8 जने सी, ते बस अपने बाद वेच फिर बांबा हुई है, शोर मचा, तो बाद वेच अपने आए ने, किन्ने रब तरसी की उन्होंने खिलाफ वो FIR करवाई जाते ने, ठीक मोट करवाई ने, एक जना का भैन का परचा मरियम बीबी, एक शाहकोट कराए ने अपनी बीवी का अब्दस्तार ने कराया फातिमा बीबी, तो एक दूसरा हूँ कराया ने आरफ वाले कराया ना, उनका नहीं मालूम, पता नहीं उन्हें अपनी बेटी का कराया या भरजाई का कराया। आप बहन हैं इनकी? मुझे आप ये बताएं कि आपका ज़मीनों का जो मामला चल रहा है, आपका कोई बड़ा नहीं है जो दिफा करे या फिर उनको रोके? नहीं जी सर, वो अपना अबू बुढ़ा है मेरा, माँ बाप सदा वो खुद मथाज ने, असी अपनी मेहनत करके कमा के उन्होंने खुवाने, असी अपनी पैरी तो खुद काम आप पैना करीदा, उत्थे उन्हें जबरदस्ती की साढ़े नाल, बहुत जाती जुल्म किया ने। उस तो बाद तो हम साढ़े खिलाफ़ झूठे जोड़े रिश्तेदार टोरते ने, वो साढ़े खिलाफ़ झूठे परचे करवाते पेने, एक इलाहाबाद अपनी बीवी का करवाया ने 19 तरीक असा करवाया, भी उन्हें करवाया, एक उन्हें शाहकोट जाके 23 तरीक करवाया, आ मेरे भांजे फजाल ना उत्थे गिरफ्तारी कर। ये जरा तड़ा कसूर दे विच केड़ा इलाका है जिते सारा वकूगा होया झगड़ा होया? छट्टी हिंदवाली, वो साडा गांव पिंड है। आप क्या कह रही हैं सर? मैं कह रही हूं छट्टी पिंड। छट्टी पिंड? हां नहीं नहीं छट्टी दे रहना ले। तो आप लोगों ने FIR वगैरह नहीं दर्ज करवाई, पुलिस को नहीं बताया? करवाई है, करवाई है सर, कोई इंसाफ नहीं अली तक, पर्चा करवाया इंदा, तो उनका हूँ ये अब्दस्तार गिरफ्तारी पाई ने, उनकी जमानत कल तो लाए तो परसों कैंसल हुई है, बाकी हाले गिरफ्तारी नहीं होना पाई। बाकी कोई मुलजम नहीं फड़िया गया? कोई नहीं हाले तक उन्हें फड़िया, किसी ने भी नहीं फड़िया उन्हें गिरफ्तारी। तो हूँ तुहाडा की मुतालबा है? हूँ असं इंसाफ लेना चाहते हैं, कोई कि पुलिस इंसाफ देना से खुद साढ़े तो झूठे परचे करवाई जाते, जिहड़ा साडा रिश्तेदार ढोलता है साढ़े नाल, उन्होंने झूठे परचे कभी अपनी बीवी का दे देता, कभी भैन का दे देता, कभी किंदा हूँ सुनया आर बुरे परचा करवाया नहीं। जिहड़े तुहाडे मुलजम है वो कि पावरफुल है, उन्होंने को पैसा है, बदमाश ने सतार अब्दुल सतार गुंडा बदमाश है, वह पिंड बहुत गुंडा बदमाश तंग कर रहा, असी हूँ इंसाफ लेना चाहते हैं। धमकियां
सर लाता है सू पिंड नहीं रहन दिता असीलाबाद ना घर लिया इतने रहश है हूँ अपनी तो हूँ उत कोई भी अपने चाहते ने जमीन पट्ठे लैन कोई भी कम कर अगो उन्होंने दरवाजे च गुजरी तो धमकिया लाते ने मेरे अम्मी ने धमकिया उन्हें लाइया ने पट्ठे उन्हें रेहड़ी तो उतार लैन उतार के उन्हें मतलब गाली गलोच कीतिया ने अब दस्तार ने कहता है जा अपन बेटिया कह बैठ जा बयान दे देना तो जा मैं तेरिया दोनों बेटियों को कतल कर देंगे दोनों सारे कर देंगे उन्हें इंज धमकिया ला रहा अब दस्तार तुसी कोई चंगा जिहा वकील नहीं किया जिहड़ा तुहाडा केस लड़े वकील तो किया भाई चंगा ही किया पुलिस करेगी तो वकील भी अगे करना है ना अजकल पैसे की कीमत है भाई बंद नहीं कीमत है अजकल पैसे की कीमत है बंदे की कोई कीमत नहीं तो ये तीनों बहनें सिर्फ इंसाफ मांग रही हैं जमीन ताड़ी अपनी है उन्हें डॉक्यूमेंट सारा कुछ ताड़े को ले जदी पुश्ती ताड़ी है हाँ बिल्कुल अपनी जाति सारा कुछ साढ़े को ले तो फिर वो क्यों कब्जा करना चाहता उन्होंने पता है ना इन्हों का कोई नहीं आया अबू जीफल है अम्मी भी जीफल है भाई आया नहीं देने तो बस इन्हों का कहड़ा असी जबरदस्ती कब्जा कर लाँगे साड़ी हो जाए दे इंज बस एक तो इन तीनों बहनों को इंसाफ चाहिए उसके साथ साथ मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जो हमारे एडवोकेट भाई हैं जो हमारी वीडियोस को देखते हैं अगर उनमें कोई इनका केस लड़ना चाहे उन मुल्ज़मान को सजा दिलवाना चाहे तो वो ज़रूर हमसे राबता करे ये तीनों बहनें हैं जो सिर्फ इंसाफ मांगती हैं तो हम इनकी आवाज़ बनने आए हैं इनकी आवाज़ आप तक पहुँचाई है अल्लाह करे इनको इंसाफ मिले तो मिलते हैं किसी और वीडियो में अल्लाह हाफ़िज़।